जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का दूसरा दिन था और ये आज का पेपर है। इसके जीएस के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सेबी के चेयरमैन बताना है कौन है, अजय त्यागी हैं और ये अभी भी हैं मौजूदा हालत में। क्वेश्चन नंबर टू है, दांतों की वर्धित इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है। तो दांत के जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, वो दांतों को या कान को, जो कान डॉक्टर मतलब जो मिरर यूज़ करते हैं वो कॉनकेव ही होता है, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा देखना रहता है, इस वजह से कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं डॉक्टर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने धोने खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है। तो ये 50 लीटर की मात्रा है। क्वेश्चन नंबर फोर एनवायरनमेंट का है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। ये डीकम्पोजर्स कहलाते हैं, अपघटन करने वाले जीव, और इनके द्वारा जो भी मृत जीव होता है, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, उनको अपघटित करके और तमाम सारे तत्वों में बदल देते हैं। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परत के बीच होता है, इस जल को क्या कहते हैं। ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज बाय इनफिल्ट्रेशन एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, दिस वाटर इज नोन एज एक्वीफायर, एक्वीफायर के नाम से जाना जाता है और ये हमें प्राप्त नहीं होता। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। हैजा कॉलरा विषाणु से नहीं होते, टाइफाइड भी विषाणु से नहीं होती, डिसेंट्री जो पिचेस है वो भी नहीं होती, क्षय रोग भी विषाणु से नहीं होता। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो गलत है, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। ग्रामीण आवास नीति को वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो द रूरल हाउसिंग फंड के बारे में बात कर रहा है और इसका कॉन्सेप्ट आया था 2008-09 में आया था और तब से ये रूरल हाउसिंग फंड RHF चल रहा है। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किस का आविष्कार किया गया था। तो ये जेट इंजन उन्होंने बनाया था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। तो दो लेखकों ने मिलके ये बुक लिखी थी, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स बहुत ही फेमस बुक है और उनमें से एक एस दौलत साहब थे। केंद्रीय GST पे क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। तो ये 12 अप्रैल 2017 को इन्होंने असेंट दिया था, राष्ट्रपति महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 came into force on October 27, ये 2009 में लागू किया गया था। एक ज़िला एक उत्पाद, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। योजना के तहत हस्त निर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को चुना गया है। तो हाथ से कागज़ बनाने के लिए जालौन, कालपी पड़ता है जालौन में और वहाँ हाथ से कागज़ बनाया जाता है। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हैं। तो मेरठ ज़िला हमारा स्पोर्ट के लिए जाना जाता है, तो शार्दुल जो 15 साल के हैं ये मेरठ से हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है,
ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो ये आपकी हो जाएगी, इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद से किया था लखनऊ। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पड़ता है? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया, वो किस राज्य से, वो जिस राज्य से बिलोंग करती थी उसको बताना है कि अभी वो कहाँ पड़ता है। तो ये देवरिया ज़िला है, जहाँ पर देवदह राज्य था देवरिया। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अभी कहाँ है, ये बिठूर पड़ता है, कानपुर जो शहर है उससे थोड़ी दूर पर बिठूर है, वहाँ पे पड़ता है वाल्मीकि आश्रम। पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बनारस अखबार था। गोविंद रघुनाथ धत्ते इनका पूरा नाम था, गोविंद रघुनाथ धत्ते, इन्होंने बनारस अखबार निकाला था। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो इन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। बड़ा ख्याल एक गायकी की विधा होती है, जिसको लाने का श्रेय सुल्तान हुसैन शाह सरकी को है। भेड़ कुंड, जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? देखिए, पांचाल जो राज्य था वो हमारा जो बरेली और फर्रुखाबाद का जो इलाका है वहाँ पर था। तो अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन हो सकता था, फर्रुखाबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। ये लॉर्ड डलहौजी साहब थे, उस समय जब रेलवे 1853 में हमारे यहाँ बनी थी पहली बार। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आए हैं? बिहार की सबसे कम प्रति व्यक्ति आए हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिहार। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये सितार वादक हैं, सितार से जुड़े हुए हैं अरविंद पारिख। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो 284.83 मिलियन टन है, जो एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में 30 स्टॉक हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है, तो ये दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल। राज्यपाल राज्य की जो विधान परिषद होती है उसको भंग नहीं कर सकता, वो एक स्थायी सदन होता है। 28 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये होता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत, अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ संरक्षण देता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। लेबनान की राजधानी बेरूत है, और कजाकिस्तान की मुद्रा जो है ये टेंगे है, टेंगी या तेंगी। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ये हमारा ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील वर्ल्ड में 5th नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में।
एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो उत्पादक, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया एक्सपोर्ट में और प्रोडक्शन में। सऊदी अरब या इराक में से कोई एक हो सकता है इसमें से। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो ये असम है। असम क्षेत्र में सबसे पहले तेल उत्पादन किया जा गया था। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग, देखिए ये क्या लिख दिया है, हिंदी में क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, अंग्रेजी में देखेंगे तो पता चलेगा। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इंडियाज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एज अगस्त 2018? तो चेयरपर्सन बताना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू साहब हैं वर्तमान में। 36 क्वेश्चन कह रहे हैं, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिस स्वाट टीम में कमांडो की कुल संख्या 36 है, मतलब आप कह सकते हो 3 दर्जन है। भारत में मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर हुए हैं? तो म्यांमार के साथ हस्ताक्षर हुए। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार किसको नवाजा गया है? तो बहुत सारे पुरस्कार 13 से लगाकर और 17 तक दिए गए हैं। तो 16 के लिए दिनेश त्रिवेदी को दिया गया है और 17 के लिए मेहताब को दिया गया है, पूरा नाम भूल गया हूँ, जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो ये 36-38 क्वेश्चन है टोटल जीएस के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है, सोल्यूशन दे दिया है। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद।